नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिनव कौशल जसवाल, जो कि भाजपा जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर मंडल के अध्यक्ष थे, अब भाजपा के नगर उपाध्यक्ष बन गए हैं। आज ही के दिन भाजपा का 9 साल पूरा हो गया है, आप क्या कहेंगे आज ही के दिन आपको उपाध्यक्ष पद दिया गया? जी जी, बहुत बहुत नमस्कार पब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों का। जैसा कि अभी संतोष कुमार पार्थ जी ने बताया कि आज भाजपा सरकार का 9 वर्ष पूरा हुआ। आज ही के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए थे, प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग आज से पूरे 1 महीने भाजपा का 9 वर्ष पूरा होने पर अलग अलग तरह का कार्यक्रम नगर एवं जिला स्तर में करने जा रहे हैं। इसमें आपका योग कार्यक्रम भी रहेगा, वृक्षारोपण भी रहेगा, स्वच्छता अभियान भी रहेगा और भी तरह तरह का कार्यक्रम है जो आपको सोशल मीडिया के द्वारा पता चलता चला जाएगा। संतोष कुमार पार्थ जी का भी आभार कि उन्होंने जो है आज समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिया। और मैं वर्तमान में भाजपा का नगर उपाध्यक्ष हूँ। भाजपा की तमाम जो कार्यक्रम होगी, आने वाले दिनों में आपका लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसके मद्देनज़र नया संगठन तैयार किया गया है और ये दायित्व मुझे दिया गया है और मैं इस दायित्व को पूरे ईमानदारी से पूरा करूंगा एवं हमारा पूरा प्रयास रहेगा हिलसा विधानसभा में भाजपा को टिकट दिलाने का। विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि केंद्र सरकार के षड्यंत्र के कारण RBI के द्वारा 2000 का नोटबंदी किया जा रहा है, क्या आपका प्रतिक्रिया इस पर? सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को जो भी इस माध्यम से देख रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 का नोट मुश्किल से हिलसा में मात्र 2000 लोगों के पास होगा तो होगा या वो भी नहीं होगा। 2000 का नोट खुद मुझे देखा हुआ 2 महीना से ऊपर होने जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है बैंकों द्वारा। आप 3 महीना में जाके आप 2000 का जिनके पास है वो बिना डॉक्यूमेंट के जाके आप नोट बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना, आप अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। बाजार में नोट चलन में, हम खुद एक व्यवसायी भी हैं, बाजार में नोट चलन में है, लोग 2000 का नोट ले रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले 2000 का नोट ले रहे हैं, दुकानदार 2000 का नोट ले, घबराने की कोई बात नहीं है। 2000 का नोट से काला बाजारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसे रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी एवं RBI का बहुत ही सराहनीय कदम है। हिलसा में आए दिन जाम की समस्या बनी हुई रहती है, जबकि हिलसा के पश्चिमी बाईपास पर सुचारू रूप से चल रही है, पूर्वी का निर्माण अभी बाधित है, थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए, इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए हिलसा नगर परिषद एवं हिलसा की प्रशासन जिम्मेवार है। हिलसा के प्रशासन और नगर परिषद को कड़ाई से इस कार्य को पूरा करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बड़े गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए हिलसा नगर में, सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। इसमें होता क्या है कि हिलसा का जो रोड है बहुत संकीर्ण है, उसके अलावा अतिक्रमण किया हुआ है, तो अतिक्रमण को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ जो घुसती इसके वजह से जाम लगता है उसको रोका जाए, नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, नए टेम्पू स्टैंड का निर्माण किया जाए, अलग अलग जगह ई रिक्शा पॉइंट का निर्माण किया जाए, जहाँ तहाँ जो गाड़ियाँ लग के पैसेंजर उठाती हैं उसे रोका जाए।